हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान की नदियों और जिलों से संबंधित 25 सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राजस्थान के सभी एग्जामों में इस टॉपिक से हर बार एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में वाले इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, ये है कोटा संभाग में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि किस जिले में सर्वाधिक नदियां हैं तो वो है चित्तौड़गढ़ जिले में, तो इन दोनों फैक्टर का आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगर आपसे कभी जिले के साथ साथ अगर स्थान भी पूछ लिया जाए तो वो भी आप ध्यान रखें। भैंसोड़गढ़ में ये बना हुआ है, ठीक है, स्थित है चूलिया जलप्रपात, ये आप ध्यान रखें। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 18 मीटर, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको इसका अफवाह क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। चंबल नदी के किन किन जिलों से होकर बहती है ये आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी का प्रवेश होता है राजस्थान में। इसके बाद में कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई फिर आगे जाती है, ये आप ध्यान रखें। फिर आगे जाकर यमुना में मिलती है, यमुना मिलती है गंगा में और गंगा फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ये आप ध्यान रखें। जितने भी जिलों से होकर ये गुजरती है ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा गया इससे संबंधित क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, बालसमंद जोधपुर सही है, ताल छापर चूरू ये भी करेक्ट है, गैप सागर पाली ये अनकरेक्ट है और नंद संबंध राजसमंद ये करेक्ट है। आपको बता दूं कि गैप सागर झील स्थित है डूंगरपुर जिले में, जिसको एडवर्ड सागर झील भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, जहां पर नाना भाई और काली भाई की मूर्तियां भी लगी हुई है इसके किनारे पर, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी में। चंबल राजस्थान की बारहमासी नदी है, ये आप ध्यान रखें, और इसका उद्गम होता है जानाबा पहाड़ियों, जो कि विध्यांचल पहाड़ियों का ये भाग है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई भी आप जरूर ध्यान रखें, इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर और राजस्थान में भी आप इसका ध्यान रखें ये बहती है 322 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? लून, करणसर, बीकानेर ये खारे पानी की झील है, पचपदरा, बाड़मेर ये भी खारे पानी की झील है, कायलाना, जोधपुर ये मीठे पानी की झील है और सांबर झील ये जो कि जयपुर में है ये भी खारे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किन दो जिलों में नदियां नहीं है? तो ये है बीकानेर और चूरू, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं बिचू, ठीक है, बिचू, बी से होगा बीकानेर, चू से होगा चूरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की बारहमासी नदियां हैं, तो ऑप्शन में यहां पर दे रखे हैं, तो राजस्थान की बारहमासी नदियां हैं चंबल और माही नदी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। कभी कभार स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में चंबल और बनास, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चंबल और माही नदी राजस्थान की बारहमासी नदियां हैं। अब यहाँ पर चंबल के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत माही के बारे में भी डिस्कस करते हैं। माही नदी का उद्गम होता है महेंद्र झील से, जो कि विध्यांचल पहाड़ियों में स्थित है मध्य प्रदेश में। इसकी कुल लंबाई कितनी है माही नदी की? इसकी है 576 किलोमीटर और ये राजस्थान में बहती है 171 किलोमीटर। और राजस्थान के किन जिलों में ये बहती है? तो ये बहती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में, तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर दे रखा है माही, चंबल, बनास और खारी। तो चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी और बनास की सहायक नदी है खारी नदी, ठीक है। तो चंबल नदी जाती है यमुना में और यमुना नदी जाती है फिर गंगा में और गंगा नदी मिलती है बंगाल की खाड़ी में और यहाँ पर पूछ रहा है अरब सागर में, तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। माही नदी जाके गिरती है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की खारे पानी की जिले किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो एग्जाम में पूछा गया है, ये मानी जाती है 33 सागर का अवशेष, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है।
लुप्त सरस्वती नदी, वर्तमान में इसको गंगा नदी कहा जाता है, का उद्गम स्थल है? ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उद्गम स्थल है हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियां। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इसके अलावा मैं बात करूं, एक क्वेश्चन काफी अधिक पूछा जाता है कि जो कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे मिली है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे ही मिली है और ये दोनों सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लुनी की सहायक नदी नहीं है। तो लुनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? यहाँ पर दे रखा सुकड़ी, बांडी, पश्चिमी बनास और जवई। तो लुनी की सहायक नदी नहीं है, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम होता है सिरोही जिले से, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखें। बाकी जो ये तीनों है, ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? ये लुनी की सहायक नदियां हैं। और लुनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लुनी नदी का उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर से। और लुनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में ये बहती है 350 किलोमीटर। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। और जो ये लुनी नदी है ये कच्छ के रण में जाके मिल जाती है, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ ऑप्शन में आप ढूंढ सकते हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी से रिलेटेड नहीं हो उसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बनास उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पर भी पश्चिम बनास दे रखा है, इसको आप काट सकते हैं। और चंबल दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। यानी कौन कौन सी नदियां हैं? जवाई, बांडी, लूणी, सुकड़ी और गग्गर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको किसी एक या दो नदी को फोकस करना है जो कि इस क्षेत्र में नहीं बहती है, और उसके तहत आप बाकी जो भी है उसको डिलीट कर सकते हैं ऑप्शन को, और जो पीछे बचेगा वही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो देखते हैं, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरती है, यहीं से इसका प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़ में, चौरासीगढ़ में, ठीक है? वहां पर चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। झालावाड़ में नहीं बहती है, कोटा में भी बहती है और धौलपुर में भी बहती है। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोम नदी सहायक नदी है माही नदी की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर माही नदी वापस आया है, तो माही नदी पर जो बांध बने हुए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। माही नदी पर तीन बांध बने हुए हैं, जिसमें से दो राजस्थान में है, एक का नाम है माई बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा में बना हुआ है, एक है कागदी पिकअप बांध वो भी बांसवाड़ा में ही है। इसके अलावा एक गुजरात में है जिसका नाम है कडाना बांध। तो ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पर सोम नदी नाम आया है, तो सोम पर भी दो बांध बने हुए हैं, उनका भी आप ध्यान रखें। एक है सोम कमला अम्बा जो कि डूंगरपुर में बना हुआ है, और एक है सोम कागदर जो कि उदयपुर में है। तो इन दोनों बांधों का भी आप साथ में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी जानी जाती है? ये जानी जाती है बेड़च। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो समझिए कि ये है गोगुंदा हिल्स, जहां से आयड़ नदी का जो उद्गम होता है, और यहां पर ये बनी हुई है उदय सागर झील, ठीक है? उदय सागर झील बनी हुई है, आयड़ नदी इसमें आकर मिल जाती है, और जहां से फिर वो आगे निकलती है तो यहां से इसको बेड़च नदी नाम दे दिया गया है, वहां से मतलब बेड़च के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। इसका उद्गम भी आप जरूर ध्यान रखें, गोगुंदा हिल्स से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुमिलित कीजिए नदी का नाम और अंतिम पड़ाव। तो माही नदी का अंतिम पड़ाव है खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 है, लुणी का है कच्छ का रण, गगर का है मरुस्थल और पश्चिमी बनास का है कच्छ की खाड़ी। तो फर्स्ट का हो रहा है फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह झील जिसके एक और प्रसिद्ध टॉड रॉक स्थित है, ठीक है? तो ये कौन सी झील है? ये झील है नक्की झील। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा टॉड रॉक के अलावा यहाँ पर दो रॉक और भी है जिनका आपको ध्यान में होना चाहिए। टॉड रॉक किस प्रकार की है? तो ये आप ध्यान रखें, टॉड रॉक है मेंढक जैसी, और इसके अलावा नंदी रॉक भी है जो कि नंदी नाम से ही पता चल रहा है कि बैल के आकार की होगी, ठीक है? और इसके अलावा एक और है जिसका नाम है नंद रॉक। ये तीन रॉक नक्की झील के किनारे पर हैं, या इनका आप ध्यान रखें।
और जो ये नंद रॉक हैं या घूंघट ओढ़े दुल्हन जैसी लगती हैं। तो इन तीनों का आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। बनास की सहायक नदी नदियों का जोड़ा कौन सा सही जोड़ा है? तो यहाँ पर दे रखा है बेड़च और खारी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, बाणगंगा नहीं है, कोठारी भी नहीं है और मेज पार्वती भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। सहायक नदियों से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सहायक नदियों से संबंधित ट्रिक के 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी का और अरब सागर का और शायद एक और वीडियो है, ठीक है, जिसमें मतलब कन्फ्यूज करने वाली जो नदियां हैं जैसे कि पार्वती और पार्वती, ये किन किन की सहायक नदियां हैं, ऐसे कन्फ्यूज करती है वो नदियां, वो 3 वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं चैनल को विजिट करके, इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें मैंने ट्रिक्स के साथ बताए हैं। तो ट्रिक्स के साथ आप उनको याद कर सकते हैं सहायक नदियों को, और सहायक नदियों का हर बार एग्जाम क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कावोद झील कहाँ पर स्थित है? तो कावोद झील स्थित है जैसलमेर में। फिर आगे दे रखा है गड़ीसर झील का संबंध है, तो गड़ीसर झील का संबंध है जैसलमेर से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। इसके अलावा जैसलमेर में एक और झील है अमर सागर, उसका भी आप साथ में ध्यान रखें। माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो माही नदी बहती है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर दे रखी है नदियां और क्षेत्र। तो लूणी नदी का क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, गगर नदी का है उत्तरी राजस्थान, चंबल नदी का है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बाणगंगा का है पूर्वी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा यानी अ का दे रखा है फोर्थ नंबर। तो अ का दे रखा है फोर्थ, फिर ब का दे रखा है फर्स्ट, तो ब का दे रखा है फर्स्ट, तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विश्व में दूसरी भी एशिया में प्रथम स्थान रखने वाली ताजे मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद किस जिले में स्थित है? तो जयसमंद झील स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता थे महाराजा जय सिंह। इसका निर्माण कब करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1685 से 91 के मध्य में इसका निर्माण हुआ था। किस नदी पर बनी हुई है? तो गोमती नदी पर बनी हुई है और इसमें 7 टापू हैं और 7 टापुओं में सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। तो ये फैक्ट हैं जयसमंद झील से संबंधित, इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, इनका आप ध्यान रखें। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो सोम नदी है माही नदी की सहायक नदी और माही नदी तो अरब सागर की और अरब सागर में गिरती है। सुकड़ी है लूणी की सहायक नदी और लूणी भी अरब सागर की और अरब सागर में गिरती है और साबरमती भी अरब सागर में गिरती है। खारी नदी है सहायक नदी, यहाँ पर ये सहायक नदी है, ठीक है, चंबल नदी की जो सहायक नदी है बनास की सहायक नदी है खारी। तो आपको पता है कि चंबल नदी यमुना में गिरती है, यमुना फिर गंगा में और गंगा बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पर पूछ रहा है अरब सागर की सहायक नदी नहीं है तो खारी नदी। इस तरह आपको इंटरलिंक करना आना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? साबी नदी, कांकनी, कातली और बेड़च। तो बेड़च नदी आंतरिक प्रवाह की नदियां नहीं है, इन तीनों का आप ध्यान रखें, ये तीनों की तीनों नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब यहां पर बेड़च नदी, ठीक है, बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेड़च जो सहायक नदी है बनास की, मैं आपको बता चुका हूँ। बेड़च का अन्य नाम है आयड़ नदी, गोगुंदा के हिल से इसका उद्गम होता है, ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। चंबल नदी को 12 मासी नदी भी कहा जाता है, चरणवती भी इसको कहा जाता है चंबल नदी को, तो ये भी आप ध्यान रखें। चंबल नदी पर जो बांध बने हुए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक है गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध जिसको कोटा डैम भी कहा जाता है कोटा और बूंदी में बना हुआ है, और कोटा बैराज बना हुआ है कोटा में। तो ये 4 डैम बने हुए हैं चंबल नदी पर, तो ये आप ध्यान रखें। और चंबल नदी एक ऐसी नदी है जहां पर विश्व में मतलब विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखें।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही है, जितने भी क्वेश्चंस थे नदियों से संबंधित वो हमने देखे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करते रहिए अच्छे अच्छे कमेंट करके, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेके आते रहें। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।